आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि एक सतत फलन f के अवकलज f डैश का ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है तथा f 0 बराबर 0 है, तो फलन y बराबर fx के लिए ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमको नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब है f डबल डैश x बराबर 0, और f डबल डैश x 0 के बाद हम निकालेंगे उसका जो f डबल डैश x का साइन है वो कहाँ चेंज हो रहा है, मतलब वो धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है या फिर ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। तो f डबल डैश x 0 निकालने का मतलब हो गया उसके उस ग्राफ पर जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और अगर प्रवणता ऋणात्मक होगी तो f डबल डैश x ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम f डबल डैश x निकाल लेते हैं। f डबल डैश x 0 कहां पर होगा, जहां पर इस f डैश x की प्रवणता 0 के बराबर हो, तो 0 का बराबर होने का मतलब x के समांतर होगी वो प्रवणता, या स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता की हम बात कर रहे हैं, तो अगर स्पर्श रेखा खींची हमने इस बिंदु पर तो हमको क्या मिली है, x अक्ष के समांतर मिली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f डबल डैश x बराबर 0 कहाँ पर है, जहां पर x बराबर 3 के बराबर है, तब f डबल डैश x 0 हो गया। अब उसके बाद हमको चेक करना है कि f डबल डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर ऋणात्मक से धनात्मक होनी चाहिए। अगर हम 3 से पहले देखें तो 3 से किसी भी एक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, देखिए इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, और जब यहाँ पर हम इसका थीटा चेक करना चाहेंगे, मतलब टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। 90 डिग्री ज्यादा आने का मतलब टेन थीटा ऋणात्मक होता है, और जब वो ऋणात्मक हो गया तो प्रवणता क्या होगी उसकी, वो भी ऋणात्मक हो गई। तो 3 से छोटा, x का 3 से छोटा है, तब क्या हो गया, f डबल डैश x का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और जब x का मान 3 से बड़ा है, वहां चेक कर लेते हैं, 3 से बड़ा अगर किसी भी पॉइंट पर हम देख लीजिए, ये वाला जो सारा पॉइंट है क्या है, 3 से बड़ा है, ऐसे ये वाला भी सारा पॉइंट 3 से बड़ा है, तो कोई भी एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया ये वाला बिंदु, अगर इस पर हम प्रवणता बनाए और उसका tan थीटा चेक करें तो देखिएगा कुछ इस टाइप का आएगा। इसका अगर हम थीटा चेक करेंगे तो ये क्या होगा, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, जब 90 से छोटा है तो tan थीटा यहाँ क्या होता है, धनात्मक होता है, तो प्रवणता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ऐसे ही अगर इस लाइन इस ग्राफ पे देखिए तो ये भी एक तरह से tan थीटा का मान 90 से छोटा आएगा, तो धनात्मक हो गया ये f डबल डैश x। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 3 से बड़ा है तो f डैश x क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो हमने क्या कहा था कि जब f डैश x डबल डैश x 0 हो और f डबल डैश x धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक हो तो वो क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो हमारा जो नति परिवर्तन बिंदु आ गया x बराबर 3 पर क्या है, ये x बराबर 3 पर नति परिवर्तन बिंदु है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।